हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपैड एग्जामिनेशन के बारे में। तो जीपैड एग्जामिनेशन क्या होता है? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके थ्रू हम एम फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। 1988 से लेके 2010 तक जीपैड एग्जामिनेशन नाम नहीं था हमारे एंट्रेंस एग्जाम का, उसका नाम था गेट, और वो कंडक्ट करती थी IIT। 2010 से लेके 2019 तक, मतलब वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और उस वक्त जीपैड नाम उसको मिला हमारे एंट्रेंस को। और 2019 में PCI ने बोला मैं एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करूँगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वो एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब NTA ने। NTA वही एजेंसी है जो नीट का पेपर भी सेट करती है। जीपैड एग्जामिनेशन में 125 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क होते हैं। अगर आपका एक गलत हो गया तो 1/4 मार्क आपको मिलेंगे, मतलब डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आपने एक सॉल्व किया, दो क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको 8 मार्क मिलेंगे, और आपका एक गलत हो गया तो उसमें से एक माइनस हो जाएगा। इफ़ यू क्वालिफाई देन यू विल गेट 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड फॉर एम फार्म। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको 12,400 रुपया मिलेगा हर एक मंथ के लिए स्टाइपेंड एम फार्म को। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन वाज आस्क और विल बी आस्क फ्रॉम सब्जेक्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स मोर देन 30, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। फ्रॉम फार्माकोलॉजी मोर देन 20 क्वेश्चन। फ्रॉम फार्माकोग्नोसी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। From pharmaceutical analysis at least 4 to 5 questions, and from chemistry more than 30 questions. मतलब chemistry मतलब एक ही chemistry नहीं, वो organic chemistry आती है, inorganic chemistry आती है, biochemistry आती है, physical chemistry आती है, सब chemistry मिलकर 30 question आते हैं। तो ये बेटे जो GPAD examination का, और अभी 2020 में जो exam हुई थी उसमें कट ऑफ कितना था? ओपन के लिए था 163, AWS के लिए था 104, OBC के लिए था 131, SC के लिए था 103, एंड ST के लिए था 76। कुछ पिछले सालों से बहुत ही हाई इसका कट ऑफ रहा है, मतलब 160 के अबो कभी कट ऑफ नहीं गया था इसका, मगर इस साल गया है। तो अभी जो आने वाला साल है जीपैड 2021 में, तो इसमें चांसेस होंगे कि 10 मार्क उसमें ज़्यादा होंगे, मतलब 10 या 20 मार्क। मतलब ओपन का होगा 173 या 183, मतलब 180 तक जाएगा। EWS का बता नहीं सकता क्योंकि EWS अभी 2020 में ही आया था, तो EWS जा सकता है 130 के अबो। OBC में 131 + 10, दैट मीन्स 141 तक जा सकता है OBC। SC 130, दैट मीन्स 113 तक जा सकता है वो। ST 80-85 तक जा सकता है। तो ये मेरा गेस है। और GPAD एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं? फार्मास्यूटिक्स से, फार्माकोलॉजी से, और हर एक सब्जेक्ट से। तो आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है, कितना करना है, वो सब मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के बताऊंगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं, उनको लगता होगा कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है और वो भी ध्यान में नहीं है। तो प्रीपेड एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो आखिरी के 3 मंथ होते हैं, जिसने ज़्यादा पढ़ाई की वो क्वालिफाई भी हो सकता है, ज़्यादा रैंक भी ला सकता है, और अच्छे मार्क्स भी ला सकता है, अच्छा कॉलेज भी पा सकता है। तो अभी 3 मंथ है आपके पास, जी जान लगा के स्टडी कीजिए, इतनी स्टडी कीजिए कि कोई स्टडी करने से मरता नहीं है, तो स्टडी कीजिए। और थर्ड ईयर वाले भी स्टडी कर सकते हैं अभी से। तो थर्ड ईयर के लिए कौन कौन से रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी बुक
जीपैड के लिए रेफरेंस बुक बोल के यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना या है पहले ही, तो वो वीडियो आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।